This conference will now be recorded. Nifty. कल कितना ऊपर आती है इसके ऊपर डिपेंड है. चार्ट एवरेज के ऊपर सस्टेन होना चाहिए. H3 चार्ट में RSI भी नीचे आया है. अभी ये शॉर्ट एवरेज के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, नहीं तो ब्रेक करेगी. लुक पास जा रही है. डेफिनेटली ब्रेक होता है तो लो आ जाएगा. तो इसके लो के नीचे क्लोज देता है, मतलब लो के नीचे क्लोज देता है तो गिरेगी. देखते हैं कहाँ पे गिरेगी. कहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं हमें मालूम है. 10,400 इसका सपोर्ट लेवल है. पहले भी कैलकुलेट किया है मंथली के चार्ट के हिसाब से. जो प्रॉपर एक्सटेंशन लोअर में जा रहा है, क्वार्टरली के तक जा रहा है, चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा. एक्सट्री के चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा. रेजिस्टेंस मिल रही है 10,920. सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है 10,400 लेवल. ये वीक के लोअर पॉइंट निकालते हैं ये वीक का, तो हम देखेंगे. मैंने यहाँ पे डाला था ट्रेंड लाइन सब देता हूँ. कल देता हूँ लोअर एंड निकालते 10,200 प्लीज म्यूट कर लीजिए. तो 11,000 ये जो हाई है ये हाई लेते हैं और ये लो लेते हैं. तो हमें लेना हाई और लो 11,170. आप कर्सर यहाँ पे रखूंगा तभी आपको ये प्राइस देखना है. इधर कर्सर यहाँ पे रखता हूँ. 11,170 लो है 10,850. तो कितना हुआ 11,170 माइनस लो है 10,850. 20 पॉइंट्स माइनस क्लोज में जाते हैं. क्लोज है 10,950 930. तो 10,600 के पास निफ्टी आ रही है. ब्रेक करेगी तो इसके नीचे क्लोज देखती है. ये सपोर्ट तोड़ता है 10,820. निफ्टी सस्टेन बिलो 10,820 देन रीच 10,600 लेवल. निफ्टी इज नॉट इन बाय, सो वी शुड अवॉइड बाइंग एट हायर रेट. निफ्टी का ही लो बनेगा ऐसा लगता है. तो हम शॉर्ट सेल नहीं जाएंगे. जो स्टॉक्स देते हैं वो शॉर्ट सेल भी अच्छा रहेगा. मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पहले तो एक ध्यान में रखना चाहिए शॉर्ट सेल में जब भी ट्रेड करते हैं तो ये वीकली का जो शॉर्ट एवरेज है उसको टच करके आया है क्या. मतलब ये प्राइस, ये जो प्राइस है
वीकली के शॉर्ट एवरेज की प्राइस रहनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली IO 42, और वीकली का शॉर्ट एवरेज का प्राइस भी देखते हैं। शॉर्ट एवरेज का प्राइस यहाँ पे दिखेगा, ये प्राइस भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए 445 के एवरेज में, ये 442। ये सब ट्रेड अच्छे रहते हैं हमेशा। वीकली तो वीक रहना चाहिए, वीकली तो वीक रहना चाहिए, और एज 180 में सेल आता है तो वो सेल का जब ये सिग्निफिकेंट हाई हो, वीकली के शॉर्ट एवरेज के प्राइस होना चाहिए, तो ही हम शॉर्ट सेल करने में अच्छे रहेंगे। तो वो स्टॉक देते हैं ऐसे कितने रहेंगे वो हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो वो नहीं रहेगा तो ये कभी कभी बाउंस मार के ऊपर आ जाएगा, तो हमें स्टॉप लॉस लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जैसे कोई स्टॉक लेते हैं, देखते हम तो स्टॉक मिला था, ये भी है इंजीनियरिंग इंडिया, टच करके आया है, तो हमें शॉर्ट सेल में मिल रहा है स्टॉक, शॉर्ट सेल की लिस्ट अलग रहेगी, इंजीनियर इंडिया है, आखिर एक ही दिन में कुछ करेगा तो शायद एक ही दिन में हो जाएगा, पेट्रोल जा रहे बाइक का लेकिन प्रॉपर नहीं है, दो मिनट ज़्यादा ऊपर में ज़्यादा नीचे गए और स्टॉक को शॉर्ट सेल करेंगे तो फंसने की फंस सकते हैं। ये है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये शॉर्ट सेल में रहेगा, ऊपर में स्टेबल नहीं हो रहा है मार्केट, नहीं हो रहा है, मैं भी नहीं पाएगा, टाइम में मिल नहीं रहा है, तो मैंने बस IGL तो पहले से बता रहा हूँ, IGL ज़्यादा क्यों नीचे आया हुआ, स्टॉक को शॉर्ट सेल मत करना, शॉर्ट सेल करते समय ये देखना चाहिए कि ये हाई ये वीकली के शॉर्ट एवरेज का पास है और वीकली में वीक है, वैसे स्टॉक को हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, एस 3 में MACD नीचे चाहिए तो अच्छा रहेगा, इसमें सब जो बाय में रहेंगे उसको तो होल्ड करना पड़ेगा, लो में मार्केट लो में जाता है तो कंडीशन में बाय हो सकता है, लो में जाके बाय हो जाएगा, अभी तो सिलसिला चल रहा है मार्केट में शॉर्ट सेल का। अभी लो में शॉर्ट सेल करके थोड़ा रिस्क संभालना पड़ेगा, प्रॉपर होना चाहिए, लाइफ आ
टाइम्स इन्वर्टी जा रहा है। बहुत सारे स्टॉक नीचे जाएंगे, मार्केट निफ्टी में लो आज टूटता है तो शॉर्ट सेल ही करना अच्छा रहेगा। बाय में स्ट्रेट नीचे जा सकते हैं मार्केट। टाटा केमिकल एक अच्छा है शॉर्ट सेल में। शॉर्ट से गए टाटा केमिकल देख लेना, अच्छा शॉर्ट से गए तो इतने है। मेजर सपोर्ट है 10,400 तो 200 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हो जाएगी डायरेक्ट। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, मार्केट में अभी बाय मत करना कुछ, जो बाय रहेगा वो शॉर्ट टर्म बाय रहेगा, टारगेट आता है निकल जाओ। 10,400 के नीचे हम सोचेंगे शायद, यस बैंक कैसा लग रहा है तभी हम सोचेंगे, मतलब बाय करेंगे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सोचेंगे। सर यस बैंक कैसे लग रहा है? हाँ यस बैंक, यस बैंक क्या चाहिए हमें सर? ये अगर पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं इसको, पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, 240 तक होल्ड कर सकते, 240 तक आने का चांस है इसका, 235 आने का चांस है, 235। ओके ओके सर। देवन भी सक्षम रहना चाहिए। आप बोलो निफ्टी भी एक बार फिर से समझाएंगे। निफ्टी देखो ये नीचे का लो टूटा है मार्केट में, कल ये ट्राई करेगी ये मीट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए भी ट्राई करेगी, मतलब शॉर्ट एवरेज का वैल्यू जो है वो सस्टेन करने के लिए ट्राई करेगी, वैल्यू को से बता रहा है कि नहीं चलेगा उसको करना है तो उसको रेंज बाउंड रखना पड़ेगा, लेकिन ये रेंज बाउंड रखेगा तो रेंज ही कम है, तो फिर ये शॉर्ट टर्म एवरेज को टच करने के बाद सीधा क्लोज देके नीचे गिरने की चांसेस ज्यादा लगती है ये RSI के बाद। ये जो प्राइस हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो गया है उसका नीचे के लेवल से इसका डिफरेंस आता है 320, 320 पॉइंट यहाँ से गिर सकता है, 320 पॉइंट जब यहाँ पे 320 पॉइंट लेते हैं तो 10,930 है, उसमें 320 माइनस करेंगे तो 10,600 आ रहा है, तो अप्रॉक्सिमेट यहाँ पे जाएगा, ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। अपना मेजर सपोर्ट है वहां तक रुकना चाहिए, वो आने के बाद देखते हैं बाद में सोचेंगे, अभी तो कल के लिए तो नहीं हुआ है। आइशर मोटर और पीडीनेट तो शॉर्ट सेल है, लेकिन आइशर मोटर भी ज्यादा कुछ गिरा है ना, मेरे ख्याल से टाटा केमिकल अच्छा रहेगा शॉर्ट सेल। क्या टारगेट है? ज्यादा ही कुछ नीचे जाएगा, ज्यादा ही कुछ नीचे जाएगा टाटा केमिकल,
से, लेकिन मेरे ख्याल से फंक्शन है अच्छा है, आज का हाई का स्टॉक लॉस देख के रखना चाहिए, और मेरे ख्याल से पहला टारगेट रहेगा 630 और डायरेक्ट 600 या 550 तक आ सकता है। ये रखो हम यही स्टॉक ले लो, ये अच्छा है शॉर्ट सेल, आज के हाई का स्टॉक लॉस रहेगा 695 का, देखो कैसे हो? इसको मैं स्टार कर देता हूँ। अभी के भी मैंने एक्सप्लेन किया, आइडिया भी एक्सप्लेन किया पहले। आज का हाई का स्टॉक लॉस रहेगा, देखो काका के मुझे पहले भी एक्सप्लेन किया है, ज्यादा नीचे कॉटली का आ रहे से पहले भी एक्सप्लेन किया ये। हाँ बोलो कौन बात कर कसबे सर साहब, म्यूट कर अपन। If you have a question, you can only start. सर निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं अभी? शॉर्ट कर सकते हैं। जीएसएफसी ये भी सर्सिल का प्राइस तो 104 है ना, बाय मत करना, थोड़ा मार्केट को साइड मेज में आने दो, देखते कुछ लो लेवल बनता है तो हम देखेंगे, तो नहीं बस ये बाय करो करते हैं। S3 के साथ चलो बाकी। हाँ सर, ये अगर H3 के E6 पे आता है तो निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं क्या? निफ्टी भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं ना, निफ्टी शॉर्ट सेल कर सकते हैं, आज के हाई का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। आज का हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, आज के हाई का स्टॉप लॉस पे निफ्टी शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आज का हाई है वो स्टॉप लॉस रहेगा। प्लीज आपका, हाँ बोलो तृप्ति मैडम बोलो। हेलो सर, बायोकॉन ने वीकली E6 का सपोर्ट लिया है, ये भी शॉर्ट सेल का ही, मतलब अभी तो सेल ही जा रहा है, मार्केट ही सेल में जा रहा है ना, बाइंग में कोई दिख नहीं रहा है। हाँ बोलो। हाँ सर, बायोकॉन में, बायोकॉन वीकली E6 का सपोर्ट लिया है, वो भी टूटेगा क्या? ये भी टूटेगा शायद, 600 आ जाएगा, ऐसा है क्या? 600 आ जाएगा, 600 हाँ, 139 का 156 का। ओके सर, या थैंक यू। सर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी सेम दोनों, वो ऐसी कंडीशन लो टूटता है तो नीचे जाएगी, बैंक निफ्टी पे लो टूटता है तो नीचे जाएगी, ये लो टूटेगा तो नीचे जाएगी, वीकली में वीक है। खाली रिट्रेस का जितना करना चाहिए तो वो ही इम्पोर्टेंट था, बाकी तो बहुत तो नीचे जा रहा है ऐसे लगता है। तो कौन सा लो बैंक निफ्टी का? बैंक निफ्टी का ये जो लो है ना, बनाया है ना, वो टूटेगा तो नीचे जाएगी।
नया वाला नया लो बनेगा ओके 1000 पॉइंट नीचे जाएगी अभी तो नहीं बता सकते लो तो H3 के साथ में चलना पड़ेगा ओके कावेरी सीड को शॉर्ट सेल कर सकते कावेरी सीड शॉर्ट सेल तो नहीं कर सकते तो बाय वाले स्टॉक से वो नहीं है मतलब जो मंथली तारे से जिसमें ऊपर है वो इस स्टॉक से कोई शॉर्ट सेल नहीं कर सकते ओके ओके हम जो स्टॉक सिलेक्ट करें क्वार्टरली आरए से नीचे मंथली आरए से नीचे वैसे स्टॉक को शॉर्ट सेल करें बाकी के घर सकते हैं लेकिन शॉर्ट सेल के लिए प्रॉपर क्राइटेरिया चाहिए ना टाटा केमिकल आईटीएल ओके गुड नाइट any question thank you sir good night yeah good night thank you sir good night